In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum, all my dear students. So in today's class, it is going to be a very much important class for all the students on my channel, because today I am going to discuss about essay writing. Aaj main discuss karne wala hoon essay writing ke bare mein, ke how to write an appropriate essay इन एन एप्रोप्रिएट मैनर. तो आज हम जानने वाले हैं कि ऐसे राइटिंग किस तरह की जाती है, मज़मून निगारी हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम जो है वो 300 वर्ड्स या 150 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स के ऐसे को लिखते हैं. ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स के अंदर और व्हाट्सएप में कि वो ऐसे राइटिंग सीखना चाहते थे, तो उस हवाले से आज की क्लास होने वाली है. तो अगर आप भी एक एफिशिएंट मैनर में ऐसे लिखना चाहते हैं तो मेरे इस लेक्चर को आप एंड तक लाजमी देखें. ये लेक्चर जो आज मैं करने जा रहा हूँ ऐसे राइटिंग पर, ये क्लास 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स लाइक बीए, बीकॉम, बीएससी और उसके साथ सीएसएस एस्पायरेंट्स जो सीएसएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और साथ में आइल्स या टोफिल के टेस्ट जो देने वाले हैं. So this lecture is similarly important of all those people, all those students. तो उन सब के लिए ये लेक्चर आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप 9th के हैं स्टूडेंट हैं, कि 10th के हैं, कि 11th के हैं, कि 12th के हैं, तमाम ही क्लासेस में आपको जो है वो ऐसे राइटिंग करनी पड़ती है. अच्छा, हमारे यहाँ क्या पैटर्न होता है, नॉर्मली हम बात करें तो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो वो 9th क्लास से ही और जो है वो क्या करते हैं, क्रैम करना शुरू करते हैं, ऐसे इसको वो याद करना शुरू करते हैं, वो ऐसे उसको याद करते हैं 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, ये कह लें कि उसको रट्टा लगाते हैं. ठीक है, लाइक माय एम इन लाइफ, माय फेवरेट पर्सनालिटी, पिकनिक एट सी साइड, टेररिज्म, या किसी भी टॉपिक पर ऐसे जब भी उनको लिखना होता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको बैठ कर वो याद करते हैं और याद करने के बाद उसको जो है वो एग्जाम्पल लिख कर आते हैं. बट इससे क्या होता है, उनकी राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती हैं, या अगर कोई ऐसे अगर आउट ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगर आ गया, गेस्ट पेपर के अलावा आ गया, नॉन इम्पॉर्टेंट ऐसे आ गया, तो फिर वो सूरत में परेशान भी हो जाते हैं किस तरह से ऐसे को लिखा जाएगा. तो ऐसे राइटिंग इज़ एक्चुअली एन स्किल, ये कंपोजिशन का एक पूरा स्किल है जिसको सीखने की नीड होती है. और आज सिर्फ एक क्लास के अंदर मैं आपको ऐसे लिखने के डिफरेंट रूल्स के बारे में भी बताऊँगा कि ऐसे किस तरह लिखा जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ऐसे का, किन रूल्स को फॉलो करना होता है, क्या पैटर्न हम उसमें फॉलो करते हैं, और साथ में एक ऐसे में आपको जो है वो उसके एक मॉडल के तौर पे भी दिखाऊंगा, जो भी रूल्स मैं बताऊंगा उस रूल्स को मैं अप्लाई करूंगा ऐसे के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो सवाल क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ एन ऐसे, कि मजमून कहते किसे हैं, ऐसे होता क्या है, व्हाट इज़ एन ऐसे. सो ऐसे की डेफिनेशन बनती है कि इट इज़ अ रिटन कंपोजिशन ऑफ मॉडरेट लेंथ एक्सप्लोरिंग अ पार्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट. ये एक रिटन कंपोजिशन होती है, रिटन कंपोजिशन मतलब लिखाई की सूरत में होती है, ऑफ मॉडरेट लेंथ, मॉडरेट मतलब कि मीडियम लेंथ की, ना बहुत शॉर्ट होती है ना बहुत लॉन्ग होती है, 3 to 4 पेजेस तक वेरी करती है. तो एक मॉडरेट लेंथ की एक रिटन कंपोजिशन होती है एक्सप्लोरिंग अ पार्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट, जो किसी एक खास मौजू पर, ये किसी एक खास टॉपिक पर जो है वो बात कर रही होती है, उसको एक्सप्लोर कर रही होती है, उसकी वजाहत कर रही होती है. तो ऐसे के अंदर जो है वो किसी एक फिक्स एक टॉपिक का होना बहुत ज़रूरी है, और उसी टॉपिक पर आप जो है वो कंप्लीट ऐसे को लिख रहे होते हैं. तो ऐसे असल में एक रिटन कंपोजिशन है जिसमें किसी टॉपिक पर डिटेल में बात की जाती है, बट ये मॉडरेट लेंथ उसकी होती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे पर आप जो है वो उस टॉपिक को बताते हैं. तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पैराग्राफ या कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड एन ऐसे, कि जब डिफरेंट पैराग्राफ्स को ऐड किया जाता है तो फिर ऐसे बनता है. जैसे आप जानते हैं लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं, सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं तो पैराग्राफ बनते हैं, और जब भी पैराग्राफ्स कंबाइन होते हैं तो सूरत में ऐसे बनता है. तो एक ऐसे जो है वो मिनिमम आप समझ लें कि 5 पैराग्राफ उसके अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है, तो 5 to 10 पैराग्राफ इसके बीच में जो है वो ऐसे लिखे जाते हैं. तो मिनिमम मैं आज जो ऐसे आपको ऐसे लिखने लिखाना सिखा रहा हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 पैराग्राफ्स. ठीक है, वो किस तरह से उसको लिखा जाएगा. ऐसे के टाइप्स की बात की जाए कि कितने टाइप्स के ऐसे होते हैं, तो देर आर, वैसे तो टाइप्स काफ़ी सारे हैं, बट देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ऐसे, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. नैरेटिव ऐसे किसे कहते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ नैरेशन या स्टोरी, कहानी, जिसमें कोई किस्सा को कहानी बयान करें, लाइक पिकनिक एट सी साइड में यू हैव टू नैरेट द स्टोरी ऑफ योर पिकनिक. आपको उसमें कहानी बयान करनी पड़ेगी जो पिकनिक पे आप गए और आपने क्या कुछ वहाँ पर किया जाकर.
डिस्क्रिप्टिव ऐसे में क्या करेंगे, इसमें किसी चीज़ की आप डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से दिस इज अ मार्कर। अब इस मार्कर, अगर मार्कर पर ऐसे लिखने के लिए आया तो ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा, बिकॉज इन दैट आई हैव टू डिस्क्राइब द मार्कर कि आई हैव अ मार्कर, द मार्कर हैज इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट रन्स वेरी वेल, आई हैव परचेज दिस मार्कर फ्रॉम अ शॉप। तो ये असल में डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो गया। नेक्स्ट है जब जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये आस्क किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या होता है, किसी को बहस की जाती है किसी बात पर, आर्ग्यू किया जाता है किसी बात पर, किसी बात पर एविडेंस के साथ बात की जाती है, लाइक नॉलेज इज पावर, इल्म जो है वो ताकत है। अब इस पर जब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तो इट विल बी एन आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, बिकॉज आप इसमें एक जो है वो कह लें कि एविडेंसेस देंगे, सबूत देंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो भी आपके नज़रियात होंगे उनके लिहाज से आप उसमें एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ज़्यादातर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने के लिए आता है, और मैं आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने का ही पैटर्न आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से इसको लिखा जाएगा। हाउ टू राइट एन ऐसे, ऐसे लिखा कैसे जाए, इस पर बात शुरू करते हैं। तो ऐसे को लिखने के लिए हमें कुछ प्रियोर स्किल्स की नीडेड होगी। प्रियोर स्किल्स मतलब डायरेक्ट आप ऐसे लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है वो गुड ग्रामर जब तक आपकी ना हो, अच्छी ग्रामर की स्किल्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक से बात है कि अगर आप ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को उर्दू से इंग्लिश में, तो उसका मतलब कि आप जो है वो उसको ऐसे राइटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मेरे इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के जितने भी लेक्चर्स हैं, 40 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं प्लेलिस्ट में, पहले आप उसको जाकर वॉच करें कि लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टेंसेस क्या है, वॉइस क्या है, नरेशन क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, कॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, पहले आप वो सब चीज़ें जाकर देखें मेरे लेक्चर्स में, उसके बाद आप जो है वो ऐसे राइटिंग की तरफ आएँ। तो गुड ग्रामर इज़ वेरी मच नीडेड इन ऑर्डर टू राइट अ परफेक्ट ऐसे। नेक्स्ट, रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। रीडिंग हैबिट से मुराद लाइट से बात है ना कि जस्ट ग्रामर से भी काम नहीं बनेगा, ग्रामर के साथ रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। लाइक से कि आप जो है वो बुक्स रीड करते हो, या आप न्यूज़पेपर को एटलीस्ट आप रीड करते हो, ताकि आपको करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें पता हों। क्योंकि जब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा तो डिफरेंट पॉइंट्स आप उसके अंदर लिख रहे होते हैं, वो पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं कहाँ से, किसी न्यूज़ से, किसी टीवी चैनल से, किसी किताब से आप रीड करके आप उस पॉइंट्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गुड ग्रामर और रीडिंग हैबिट ये होना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप ऐसे राइटिंग करना स्टार्ट करें। अब नाउ हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, सो देयर आर 4 स्टेप्स इफ़ यू वॉन्ट टू राइट एन ऐसे। या पैटर्न की बात की जाए तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे के अंदर हम कर रहे होते हैं। सबसे पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एन इंट्रोडक्शन। पहला स्टेप हमारे पास होता है उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, तारुफ कहते हैं। पहला पैराग्राफ जिसको हम कह सकते हैं कि जो आप फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं, इसको मैंने स्टेप 1 लिख दिया। एक्चुअली ये स्टेप 1 भी है, इसी को हम जो है वो फर्स्ट पैरा कह सकते हैं, कि जो आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं वो कहलाता है इंट्रोडक्शन, तारुफ। इसमें आप क्या करते हैं, यू सेट आउट योर एग्रीमेंट इन सिंगल पैराग्राफ। वो आप एक पैराग्राफ के अंदर क्या करते हैं, अपने आर्गुमेंट को बताते हैं, जो टॉपिक होता है ऊपर, जो टाइटल हेडिंग डली हुई होती है, उस हेडिंग को आप एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन तो नहीं करते, सॉरी फॉर दैट, आप जस्ट उसको सेट आउट करते हैं, उसको शुरू करते हैं, उसके बारे में आगाज़ करते हैं, उसका तारुफ करते हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर, और उसको करने के लिए 4 बातें हैं जिसकी ज़रूरत होती है। इन 4 चीज़ों को यूज़ करके किया जा सकता है फर्स्ट पैराग्राफ को। पहली बात के फर्स्ट पैराग्राफ इंडेंटेड होगा। इंडेंटेड से क्या मुराद होते हैं कि बिल्कुल आप लाइन के स्टार्ट से नहीं लिखेंगे, बल्कि कुछ स्पेस छोड़कर आप उसमें लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक ऐसे यहाँ पर मॉडल ऐसे यहाँ पर तैयार किया हुआ है, एक्चुअली ये मॉडल ऐसे, जैसे अब यहाँ से जब मैंने ऐसे को स्टार्ट किया, मैंने ऐसे लिखने वाला हूँ, इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों की ज़िंदगी पर या तालिब इल्मों पर स्मार्टफोन का असर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है कराची बोर्ड के लिए। तो इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन स्टूडेंट्स, ये 150 वर्ड्स के ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है वो एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इसमें मुझे आर्गुमेंट करना है कि इधर देर इज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन ऑन स्टूडेंट्स, ठीक है। सो समहाउ मैं यहाँ पर मैं अपनी थीसिस बनाता हूँ, मैं जो अपनी लॉजिक में यहाँ पर दे रहा हूँ कि मैं उसके उसमें जा रहा हूँ कि गलत एक इस्तेमाल है या एक गलत इम्पैक्ट है स्मार्टफोन का स्टूडेंट्स की लाइफ पर। तो ये मैंने अपने एक मेन पॉइंट लेकर मैं यहाँ से चलूँगा। एक मेन पॉइंट आपके पास लाजमी होना चाहिए आर्गुमेंटेटिव ऐसे को करने के लिए, क्या आया कि आप इस टॉपिक क्या फॉर में है क्या अगेंस्ट में। तो मैंने जो स्टार्ट किया, तो देखें सबसे पहली चीज़ जो मैं बता रहा था, इंडेंटेड के क्या मतलब है कि जब मैंने ऐसे को स्टार्ट किया तो बिल्कुल मैंने लाइन के स्टार्ट से नहीं स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैंने गैप छोड़कर शुरू किया। तो हमेशा ऐसे को इस तरह से थोड़ा सा गैप छोड़कर स्टार्ट करना चाहिए। देन सेकंड चीज़ क्या है, इंट्रोडक्शन लिखते हुए बेटा हुक, या सिर्फ उसको हुक स्टेटमेंट भी कहते हैं। बेटा हुक से क्या मुराद होता है कि एक हुक है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली जो फिशिंग रॉड के साथ जो हुक लगी हुई होती है, दैट टाइप ऑफ हुक।
उस अब जाहिर सी बात है कि जब आप जो है वो फिशिंग रॉड में जब आपको मछली पकड़नी होगी तो मछली पकड़ने के लिए आप फिशिंग रॉड से हुक जब आप पानी में डालेंगे तो पानी में डालने पर क्या होगा कि मछली डायरेक्ट आपके हुक में जाकर नहीं फंसेगी, जब तक उस मछली के पास जो है जब तक उस हुक में जो है वो आप बेट ना लगाओ, कोई ऐसी चीज़ लगाओ जो कि अटेंशन उस मछली की उस फिश की अपनी तरफ सीक करे, ठीक है, ताकि वो फ़ौरन से आकर झपट ले उसको। तो हम ऐसे लिखते हुए सबसे पहले जो लाइन लिखते हैं ना सब स्टार्टिंग में, वो हम ऐसी लाइन लिखते हैं जो अटेंशन सीकर होती है। अटेंशन सीकर होती है मतलब जिससे क्या होता है कि जो कारी है रीडर है वो बिल्कुल उसको पढ़ना शुरू कर दे और वो उसका शुरू फर्स्ट लाइन से ही उसका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाए आपके इस ऐसे के अंदर, तो उसको हम हुक कहते हैं। सबसे पहले हुक लिखना होता है या बेटा हुक जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन में। इसमें आप तीन में से एक काम कर सकते हैं, इधर यू कैन राइट अ क्वेश्चन, आपको सवाल से शुरू कर लें तो क्वेश्चन जनरेट कर दें, ठीक है। जैसे COVID-19 पर अगर लिखने के लिए आपके पास आया ऐसे, तो आपने लिख दिया कि वॉट इज द डिजीज दैट किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन अ कपल ऑफ मंथ्स, वो कौन सी बीमारी थी जिसने 2 महीनों के अंदर या कुछ महीनों में लाखों लोगों को मार दिया। तो अब जाहिर सी बात एक क्वेश्चन आपने जनरेट किया, तो फिर यहाँ से जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे ऐसे को तो वो इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। या फिर आप किसी कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, काजी मोहम्मद अली जिन्ना की कोटेशन हो गई, या इब्राहिम लंकन की, या अल्लामा इकबाल की, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, किसी एक कोटेशन से, किसी एक उनके कोट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो अपने ऐसे को स्टार्ट किया है, जो हुक मैंने डाला है वो क्या किया है, वो मैंने काज आजम की एक कोटेशन को इस्तेमाल किया है कि काज आजम वंस सेड स्टूडेंट्स आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नेशन। काज आजम ने कभी फरमाया था कि तालिबिल मुस्तकबिल के मेमार हैं, तो ये कोर्स कोड भी डाल सकते हैं और तीसरा स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिकल फिगर भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, स्टेट से भी शुरू कर सकते हैं कि नाउ वर्ड इज मोर देन 5 बिलियन पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन्स इन द वर्ल्ड, कि 5 बिलियन लोगों से ज़्यादा लोग जो हैं वो दुनिया में स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली स्टैटिस्टिकल फिगर। अब स्टैट से या कोटेशन से या क्वेश्चन से आप अपने जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐसे को। उसके बाद क्या करें, हुक डालने के बाद ओरिजिन या हिस्ट्री बताएं उस टॉपिक के बारे में, कोई टॉपिक शुरू कहाँ से हो रहा है, उसकी ओरिजिन या उसकी हिस्ट्री, या थोड़ी सी हिस्टोरिकल फैक्ट आप उसके अंदर दें, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना दें, थोड़ी सी हिस्टोरिकल फैक्ट दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि इट वर द स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु फाउंडेड द मुस्लिम लीग एंड देन पाकिस्तान, कि ये मुस्लिम लीग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही तालिबे इल्म थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को कायम किया और बाद में पाकिस्तान को कायम किया। तो ये मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट डाल दिया ऑरिजिन। देन डिफाइन योर सेंट्रल आर्गूमेंट, उसके बाद आपका जो टॉपिक का मेन मकसद है आप उसको बताना शुरू करें। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्शन दो, उसको सेट आउट करें, ठीक है। बट गॉन आर द डेज नाउ अ डेज स्टूडेंट्स लाइफ इज बैडली स्पॉइल्ड बाय द यूजेज ऑफ सेलफोन या यूजेज ऑफ स्मार्टफोन आप इसमें कह लें, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट ऑन द स्मार्टफोन। बट गॉन आर द डेज, लेकिन वो दिन गए, ठीक है, लेकिन वो दिन गए। नाउ अ डेज, आजकल तालिब इल्मों की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है स्मार्टफोन के इस्तेमाल से। तो ये आपने क्या किया कि ये आपने क्रैक कर दिया अपने सेंट्रल आर्गूमेंट कि आप किस चीज पर बात करने वाले हैं। तो ये देखा आपने, मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन किस तरह से लिखी, कोटेशन दिया, हिस्टोरिकल फैक्ट बताया और अपना सेंट्रल आर्गूमेंट जो था वो मैंने क्रैक कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ऑफ एन एसे, दैट इज द फर्स्ट पैराग्राफ। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में क्या होता है, दैट इज द मेन बॉडी। उसके बाद आप मेन बॉडी लिखते हैं जो कि समझे कि मेन पार्ट होता है, एक आपका 80% जो ऐसे होता है जिस पर वो कंसिस्ट करता है, वो मेन बॉडी पर कंसिस्ट करता है। इसमें एटलीस्ट आप 3 पैराग्राफ लिखते हैं और उसके अंदर डेवलप योर आर्ग्यूमेंट। अब इसमें आप अपने आर्ग्यूमेंट पर डिटेल में बहस करते हैं, डिटेल में उसके बारे में आप एग्जाम्पल्स शो करते हैं, एविडेंसेस शो करते हैं, सबूत देते हैं, ये सब काम इसमें हम करते हैं। ये मेन बॉडी के अंदर 3 पैराग्राफ है, मैं तीनों पैराग्राफ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ कि आप किस तरह से तीनों पैराग्राफ को लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करें, सपोर्ट मेन आइडिया बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देकर अपने जो मेन आइडिया है, जो मेन टाइटल है, उसको आप सपोर्ट करें और उसके साथ आप कुछ ट्रांजिशन वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन बॉक्स के अंदर जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन वर्ड्स, जो किसी भी नए सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो ट्रांजिशन वर्ड, जैसे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या रिसर्च हैज फाउंड दैट, इस तरह के जो है वो सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रिसर्च हैज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ स्मार्टफोन अफेक्ट द आई सेट अ लॉट एंड इट ऑल्सो मेक्स देम पैसिव इनफ, एंड ऑल्सो मेक्स, अच्छा देम के बजाय में लिख दो, ऑल्सो मेक्स द स्टूडेंट्स पैसिव इनफ। कि रिसर्च ने यह साबित किया है कि स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आंखों को मुतासिर करता है और
जो है वो ये स्टूडेंट्स को पैसिव भी बना देते हैं, लेजी भी बना देते हैं। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पर कि जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी थी ना ऊपर, ठीक है, जो मैंने आर्गुमेंट दिया था उस आर्गुमेंट पर मैं डिटेल ला रहा हूँ, एग्जाम्पल्स या रिसर्चेस ला रहा हूँ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या रिसर्चर्स फाउंड इस वर्ड के साथ, इस लाइन के साथ शुरू करें और आपको एक एग्जाम्पल दे दें। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा बॉडी के सेकेंड पैराग्राफ, दैट इज गिव मोर एग्जाम्पल्स। अब आप और ज्यादा एग्जाम्पल्स यहां पर प्रोवाइड करें, मतलब एक एग्जाम्पल तो आपने ऊपर दे दी, और एग्जाम्पल प्रोवाइड करें। इस बार ट्रांजिशन वर्ड्स आप चेंज कर दें, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर ये इस्तेमाल कर लें, मतलब इसके साथ साथ मजीद बड़ा, ये जो वर्ड्स हैं इन एडिशन टू है, फर्दर मोर है, मोर ओवर, इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ जाएं। जैसे इन एडिशन टू दिस, द स्टूडेंट्स एमलेसली चैट विद देयर फ्रेंड्स थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स एंड पे लेस अटेंशन टू देयर स्टडीज, मतलब इसके साथ साथ तालिबे इल्म बेल मतलब कि एमलेसली बिना किसी गर्ज से चैट करते अपने दोस्तों से मुख्तलिफ तरह के सोशल मीडिया वेबसाइट से, और वो बहुत कम तवज्जो देते हैं अपनी पढ़ाई को। तो ये मैंने एक और एक एविडेंस लेकर आया कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टूडेंट्स की लाइफ में। सेकेंड पैराग्राफ में भी आपको जो है अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करना। थर्ड पैराग्राफ में क्या करें, कंट्रास्टिंग व्यूज प्रोवाइड कर दें। कंट्रास्टिंग व्यूज से मुराद क्या कि अब चूंकि आर्गुमेंटेटिव वैसे है ना कि आपने ये तो बता दिया कि इसके नुकसान कितने हैं, थोड़े फायदे की तरफ आ जाए आप, मतलब जो आपकी मेन जो आपका स्टेटमेंट था, जो आपका आर्गुमेंट था, आप उसके अपोजिट भी चले जाएं एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, तो ताकि वो थोड़ा सा मामला इक्वलिटी का आ जाए, बराबरी का आ जाए। तो कंट्रास्टिंग व्यूज आपको देने हैं जिसमें आप जो ट्रांजिशन वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो हाउ एवर, ऑन दी अदर हैंड, डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड इस्तेमाल कर लिया है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ट्रांजिशन जो है वो सेंटेंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद कॉमा आएगा हमेशा, जितने भी ट्रांजिशन वर्ड लिखेंगे उन सब के बाद याद रखिएगा पंक्चुएशन मार्क हम कॉमा यूज करेंगे, सिंस इट इज अ कंपोजिशन दैट्स वाई इवन द पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट एंड इट विल लीड यू टू द मतलब डिक्रीज इन मार्क्स अगर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे तो। तो ऑन द अदर हैंड इसके दूसरे हाथ पर या इसके बरक्स, लाइक ऑल द इन्वेंशन ऑफ साइंस द स्मार्टफोन हैज इट्स बेनिफिट्स टू, मतलब जैसे बाकी ईजादात की तरह है, साइंस की तमाम ईजादात जैसे होती हैं कि उनके फायदे हैं नुकसान भी हैं, तो स्मार्टफोन के भी अपने फायदे हैं। स्टूडेंट्स कैन व्यू ऑनलाइन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स, स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि अभी आप इस वक्त जो है वो मुझे देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर व्यू कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की अच्छी तरह से। तो ये आपने क्या किया, कंट्रास्टिंग व्यूज पेश कर दिए थर्ड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आप जो है वो स्टेप नंबर थ्री पर आ जाएंगे। मेन बॉडी लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द कंक्लूजन, कंक्लूजन या नतीजा आपको देना पड़ेगा, आपको कंक्लूड करना पड़ेगा अपने ऐसे को, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन हुआ, फिर तीन पैराग्राफ आपके बॉडी के आए, और लास्ट पैराग्राफ जो होगा जिसको हम फिफ्थ पैराग्राफ कह सकते हैं, सो इट इज द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या करते हैं, तीन काम करते हैं, रीस्टेट द टॉपिक, उस टॉपिक को दोबारा से आप थोड़ा सा बताते हैं, जो टॉपिक होता है जो टाइटल होता है दोबारा से उसको लिखते हैं, पॉजिटिव आउटकम लिखते हैं कि आपने जो ऐसे लिखा है उस ऐसे का कोई मतलब कोई फायदा तो निकले, उसका पॉजिटिव आउटकम आए कि आपने क्या जज किया है, क्या डिसाइड किया है एट द एंड ऑफ द ऐसे, और प्लस एंडिंग कोटेशन, और क्या ही अच्छा हो कि आप क्या करें जैसे ही ऐसे को अपने ख़त्म करें तो एंड में आप जो है वो कोटेशन डाल दें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लैक पॉइंटर से। अभी आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर जो है वो कोटेशन जिसने दिया है, कोटेशन देने वाले का नाम अगर आपको याद है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप उसको लेके नहीं याद है तो जस्ट कोटेशन मार्क के साथ आप जो है वो ख़त्म कर दें ऐसे को। जब कंक्लूजन जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, लाजमी इसमें से एक इस्तेमाल कीजिएगा, टू सम अप, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, इन माय ओपिनियन, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इन सब का मतलब आप कंक्लूड करने वाले हैं कुछ। अच्छा, इसमें से मैंने कुछ क्रॉस लगा दी जो नहीं इस्तेमाल करना है, अकॉर्डिंग टू मी, तो अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं कहते, जब क्योंकि अकॉर्डिंग जब हम लिखते हैं तो हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होता, मेरे मुताबिक कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू मी के अलावा बाकी ऊपर मैंने काफ़ी सारे लिस्ट एक लिख दी है, मतलब ट्रांजिशन वर्ड्स की कंक्लूडिंग लाइन्स के लिए, तो यू हैव टू यूज़ वन ऑफ दैम, किसी एक को इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कंक्लूजन किया है, इन अ नटशेल, मैंने इन अ नटशेल इस्तेमाल कर लिया, दिस ये वाला जो ट्रांजिशन वर्ड है, इन अ नटशेल, आई स्मार्टफोन इज लाइक अ टू एज्ड वेपन, कि जो स्मार्टफोन है वो दोधारी कह लो कि हथियार की तरह है। स्टूडेंट्स हैव टू यूज़ इट कंस्ट्रक्टिवली सो दैट दे कैन बी रियल कंस्ट्रक्टर ऑफ नेशन, तालिबे इल्मों को उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो वाकई में मुस्तकबिल के मेमार या कौम के मेमार बन सकें। तो ये, और उसके बाद लास्ट में मैंने कोटेशन डाल दिए, पैराग्राफ चेंज करके सेंट्रलाइज करके ब्लैक पॉइंटर से डालना है आपको ये, कि साइंस हैज़ गिवन अस द पावर ऑफ अ जाइंट बट वी शुड नेवर यूज़ इट एज अ जाइंट, कि साइंस ने हमें एक देव की ताकत दे तो दी है लेकिन हम उसको एक देव की तरह हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें उसको एक इंसान की तरह अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए।
तो ये आपके पास यहां पर क्या हुआ कि यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द सेकंड पैराग्राफ ऑफ बॉडी, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ ऑफ बॉडी जिसमें आपने कंट्रास्टिंग व्यूज दिए, नेक्स्ट कंक्लूडिंग लाइंस दी और आपने कोटेशन दे दिया। सो आपके एक अच्छा खासा 150 वर्ड्स का एक ऐसे यहां पर इंपैक्ट ऑन स्मार्टफोन और स्टूडेंट्स जो है वो तैयार हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 4 है, ये भी जरूरी होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज रिवीजन। अब आप रिवाइज करें कि आपने जो लिखा है, उसमें आपको रिवाइज करते हुए क्या क्या चीजें देखनी है कि आपने जो कंटेंट डाला है, जो कंटेंट आपने लिखा है वो कंटेंट आपका ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन पहले, फिर उसके बाद तीन पैराग्राफ बॉडी के, फिर कंक्लूडिंग लाइंस किया, इनके ऑर्गेनाइजेशन इनकी तरतीब ठीक तो है, आगे पीछे तो नहीं हुई है कोई। ग्रामर चेक करें कि कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह में मिस्टेक तो आपने नहीं कर दी, टेंस की यूजेज में तो मिस्टेक नहीं कर दी। स्पेलिंग चेक कर लें कि स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। फॉर्मेटिंग चेक कर लें कि आपने पैराग्राफ हर जगह पर ठीक तरह से पैराग्राफ छोड़ा है, इंडेंट दिया है आपने, इन सब चीज़ों को चेक करें, ठीक है। तो ये रिविजन करने से क्या होता है, जो गलतियाँ होती हैं वो गलतियाँ सामने आ जाती हैं। अब चूंकि 9th और 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो ऐसे हम काफ़ी शॉर्ट लिखते हैं, तो उसमें हमें आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं। बट जो CSS के एस्पायरेंट्स होते हैं, CSS के SPSC के लिए या FPSC के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको 3000 वर्ड्स का ऐसा जो है वो लिखना पड़ता है, और 3000 वर्ड्स के ऐसे लिखने के लिए पहले उन्हें आउटलाइन तैयार करना पड़ता है, फिर उस पर लिखते हैं। तो नेक्स्ट बाकी लेक्चर्स के अंदर मैं उस आउटलाइन के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से उस आउटलाइन को बनाया जाता है। एंड डोंट्स ऑफ ऐसे राइटिंग के डोंट मैंने यहाँ पर लिखा, क्या नहीं करना चाहिए ऐसे के अंदर, तो ये एक बात याद रखिएगा, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को बार बार रिपीट करने से जो है वो बचें, क्योंकि इससे क्या होती है, मोनोटोमी टाइम हो जाती है, आप बार बार एक ही वर्ड को इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ऐसे आपका, ठीक है। तो एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करने से बचें। मैंने काफ़ी सारे ट्रांजिशन वर्ड्स आपके सामने लिख दिए जिनमें आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट एन ऐसे, ये वो तरीका है जिसके जरिए आप एक अच्छी तरह से ऐसे लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नो नीड टू क्रैम अप ऐसेस, कि अब आपको ऐसे को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको रूल्स बता दी उन रूल्स पर चलें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो राइट सी बात है कि राइटिंग स्किल्स तो प्रैक्टिस करने से ही होती है। कब तक आप जो है वो नोट्स लेकर जो है वो जस्ट आप नोट्स मुझसे मांगेंगे, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, फिर आप उसको क्रैम कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू मार्क्स। ट्राई टू हैव एन एक्सेल, तो एक्सेलेंस जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करें और खुद से लिखने की आदत डालें, क्योंकि आगे जाकर लाइफ में जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो यू हैव टू राइट इट बाई योर सेल्फ, तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में आप उससे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा मौजूद होता है हर लेक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन पर, आप वहाँ से भी जो है वो मुझसे आस्क कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बाकी अगर मेरे लेक्चर ये पसंद आया है तो फिर आप लेक्चर को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको आप शेयर करें, ताकि तमाम ही स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, चुके ऐसे तो सभी को लिखना है आज नहीं तो कल एग्जाम के अंदर। बाकी क्रैश क्लासेस के बारे में मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि गुलशन इकबाल कैंपस कराची में जो है वो मैं क्रैश क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, इन सब के। अगर आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको जो है वो लोकेशन वगैरह सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से आकर रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।